नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुग्जा और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल RV's कॉमर्स ट्यूटोरियल। दोस्तों, हम लोग हैं पार्ट टू ऑफ द वीडियो जिसमें हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस का। तो बिना कोई टाइम गंवाते हुए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने क्या कर लिया है, पार्ट 1 में सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि स्टेट विद द रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री, मतलब हमें रीजंस देके उस सेंटेंस से हम लोग एग्री है या डिसएग्री है वो बताना है। पहला सेंटेंस है दोस्तों, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब इसका ये मतलब है कि ये बोल रहे हैं कि डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है और लेफ्ट टू राइट ही होता है, मतलब ये सेंटेंस क्या है, ट्रू है। तो इस सेंटेंस से हम लोग क्या होने चाहिए, एग्री होने चाहिए। तो आंसर देख लेते हैं। पहला पॉइंट आंसर में, आई एम एग्री विद द अबो स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब इसमें इस चैप्टर में हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, मतलब एक डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, वो रीजंस हमने पढ़े। तो वही के वो रीजन, चार पांच रीजन हमें इस पॉइंट में लिखने हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें, डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। मतलब डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली हम लोग किधर रिप्रेजेंट करते हैं, डिमांड कर्व में। दूसरा है, दूसरा पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद द फॉल इन द प्राइस एंड डिक्रीजेस विद द राइज इन प्राइस, दिस शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। हमने ये एक्सप्लेन कर लिया कि प्राइस और डिमांड में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तीसरा पॉइंट है, अब हम इधर से एक एक रीजन देना चालू करते हैं। तीसरा पॉइंट है, ड्यू टू द लॉ ऑफ DMU कंज्यूमर बाय मोर व्हेन द प्राइस फॉल्स एंड वाइस वर्सा। ये हमने डिटेल में हमारे एक्सेप्शन रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ अ डिमांड कर्व जो वीडियो नंबर 2 है चैप्टर 3 का, इसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो आप इस वीडियो में से जाके देख सकते हैं। तो लॉ ऑफ DMU की वजह से क्या होता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। चौथा रीजन बोल सकते हैं, इन केस ऑफ अ नॉर्मल गुड्स व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स फॉल रियल इनकम मतलब परचेसिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर राइजेस एंड ही परचेसेस मोर ऑफ दैट कमोडिटी। पांचवा रीजन हम लोग लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या है कि इन सब्स्टिट्यूट गुड्स व्हेन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी फॉल्स द कंज्यूमर बाइज मोर ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट एंड डिमांड फॉर द ओरिजिनल गुड्स फॉल। पार्ट वन में हमने ऐसा ही एक रीजन देखा था कि उसमें क्या होता है कि एक अगर ओरिजिनल गुड्स की प्राइस अगर बढ़ गई तो उसकी डिमांड कम हो जाती है और उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ जाती है। अभी क्या होता है, सिक्स्थ रीजन है, इन केस ऑफ अ मल्टीपर्पज गुड्स कमोडिटी डिमांड राइजेस विद द फॉल इन द प्राइस। जब उसकी प्राइस में कम गिरावट आ जाती है तो हम लोग उसका ज़्यादा यूज शुरू कर देते हैं, इसके लिए उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये सब रीजंस है किसके वजह से क्या होता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो सेवेंथ पॉइंट में हम लोग एंडिंग कर देंगे, बोल देंगे कि ड्यू टू दीज रीजंस देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड एंड देयरफॉर डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हमने इनके ही सेंटेंस को बाद में एक बार लिख लिया। इसमें सिंपली हमने क्या किया है कि हमारे जो रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ अ डिमांड कर्व वो पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिनका एकेडमिक ईयर 2020-21 है इनके लिए, इनके लिए डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ अ डिमांड कर्व वाला जो चैप्टर है वो क्या हो गया है, वो डिलीट हो गया है, एक्सक्लूड हो गया है सिलेबस में से। अब ये एक्सक्लूड हो गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर, इस पॉइंट में से, उस कंसेप्ट में से कुछ भी जो है वो पूछा नहीं जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आ सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। सेकेंड जो जस्टिफाई द रीज़न है वो है, प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। हमने डिमांड के डिटर्मिनेंट्स में, मतलब डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसमें बहुत सारे पॉइंट देखे थे, 10-11 पॉइंट देखे थे। और उसमें हमने समझा था कि क्या बहुत सारे पॉइंट की वजह से डिमांड एट द मार्केट प्लेस चेंज होती है। तो प्राइस तो सिंगल डिटर्मिनेंट नहीं है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है और इस सेंटेंस से हम लोग डिसएग्री होने चाहिए। आंसर देख लेते हैं, आई एम डिसएग्री विद द अबो स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस दे देते हैं। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मेनी फैक्टर्स एंड प्राइस इज वन ऑफ देम। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स से डिमांड अफेक्ट होती है, बट प्राइस क्या है, उसका सिंगल फैक्टर है, इसके जैसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अभी हम लोग रीजन दे देंगे, फॉलोइंग आर सम ऑफ द अदर रीजंस फॉर सम ऑफ द अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मतलब और कौन कौन से डिटर्मिनेंट है डिमांड के, वो एक एक एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला हमने लिया है इनकम। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड्स इट्स परचेसिंग पावर, दस इन्फ्लुएंसेस द डिमांड। राइज इन द इनकम कॉजेस डिमांड, कॉजेस मोर डिमांड और राइज इन द डिमांड ऑफ द गुड्स। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एक कंज्यूमर ज़्यादा ज़्यादा कमोडिटी इनकम डिमांड करता है। थर्ड पॉइंट लिखा है हमने,
इन केस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड्स इफ सब्सटीट्यूट इज अवेलेबल एट चीपर प्राइस डिमांड फॉर द ओरिजिनल गुड्स रिड्यूसेस। मतलब अगर सब्सटीट्यूट के प्राइसेस कम हो गई तो लोग शिफ्ट कर देते हैं सब्सटीट्यूट के पास, इसके वजह से डिमांड को डिटरमाइन करने में सब्सटीट्यूट गुड के प्राइसेस की भी उतनी ही जरूरत है। फोर्थ पॉइंट लिखते हैं हम लोग, इफ प्रोडक्ट इज अनअवॉइडेबल नेसेसिटी इट्स डिमांड रिमेन्स द सेम। हमने देखा था मेडिसिन में ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या है कि अनअवॉइडेबल नेसेसिटी है, तो इसकी डिमांड हम लोग रोक नहीं सकते, तो ये भी डिमांड का एक डिटर्मिनेंट है। पांचवा है, व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन अ कंट्री राइजेस डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस। हमने इंडिया और यूएस का एग्जांपल लेके देखा था कंपैरिजन करके कि इस दोनों में डिमांड किधर ज्यादा होगी, वही लिख दिया इधर। सिक्स्थ, इसलिए हम लोग इधर कंक्लूड कर देते हैं कि हेंस दीज आर सम ऑफ द अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड अदर देन प्राइस। जो हमने क्वेश्चन में पूछा था कि प्राइस सिंगल डिटर्मिनेंट है, उसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, हम लोग बोल देंगे ये सब डिटर्मिनेंट भी है डिमांड के। सिंपली मैंने ये कहाँ से लिया है, तो आपके जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट में से ये जस्टिफाई द रीजन बनता है। अब तीसरा जस्टिफाई द रीजन है बुक में, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, वो है व्हेन द प्राइसेस ऑफ द गिफेन गुड्स फॉल्स द डिमांड फॉर इट्स इंक्रीजेस। मतलब गिफेन गुड्स मतलब इन्फेरियर गुड, इसका हमने देखा था कि इसके प्राइस और डिमांड में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। बट इधर ये क्या बोल रहे हैं कि व्हेन द प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीजेस, ये बोल रहे हैं इनवर्स रिलेशनशिप, तो इससे ये सेंटेंस फॉल्स है, तो इससे हम लोग डिसएग्री होने चाहिए। आंसर आता है दोस्तों, आई एम डिसएग्री विद द अबोव स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग अभी एक एक रीजन देके इनको समझा देंगे कि हम लोग क्यों डिसएग्री करते हैं। पहला रीजन है गिफेन गुड्स आर द गुड्स विच आर इन्फेरियर और द लो क्वालिटी गुड्स। मतलब जिस गुड्स की क्वालिटी लो होती है उसे हम लोग गिफेन गुड्स बोलते हैं। मिस्टर रॉबर्ट गिफेन, इनके पैराडॉक्स की वजह से हम इन्हें गिफेन गुड्स बोलते हैं। दूसरा है, एज वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड व्हेन द प्राइसेस ऑफ गिफेन गुड्स फॉल्स द डिमांड फॉर इट आल्सो फॉल्स। हमने एक्सेप्शन इन द लॉ ऑफ डिमांड देखा था कि गिफेन गुड्स एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, वो इधर बता दिया। तीसरा है, गिफेन पैराडॉक्स इज यूजुअली सीन इन द लो इनकम ग्रुप पीपल। मैंने आपको तीन पॉइंट याद करने को दिए थे कि लो इनकम ग्रुप पीपल में ये क्या होता है, गिफेन पैराडॉक्स हम लोग देखते हैं। चौथा है, विद देयर लिमिटेड इनकम, किसके लिमिटेड इनकम से, जिनका लो इनकम ग्रुप है। विद देयर लिमिटेड इनकम व्हेन द प्राइसेस फॉर द इन्फीरियर गुड्स फॉल्स दे शिफ्ट देयर कंजम्पशन टू द सुपीरियर गुड्स। मतलब अभी उनको लगता है कि वो लोग सुपीरियर गुड्स भी अफोर्ड कर सकते हैं, इसके लिए वो थोड़ा सा सुपीरियर गुड्स भी खरीद लेते हैं। अब क्या होता है, दिस हैपन्स ड्यू टू द इंक्रीज इन द परचेसिंग पावर रियल इनकम ऑफ अ पर्सन। मतलब रियल इनकम बढ़ जाती है तो इसके वजह से क्या होता है, वो सुपीरियर गुड्स भी अब खरीद सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट लिखते हैं कि सर रॉबर्ट गिफेन ऑब्जर्व दिस बिहेवियर ऑफ पीपल फॉर द ब्रेड, ब्रेड जो इंफेरियर गुड्स है, और मील जो मीट जो क्या है, सुपीरियर गुड्स है। इसके लिए सेवन्थ पॉइंट में हम लोग कंक्लूड कर देंगे कि हैंस इन केस ऑफ गिफेन गुड्स एट द प्राइस ऑफ इट्स फॉल डिमांड फॉर देम ऑल्सो फॉल्स। मतलब इसमें क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये हमने पढ़ा था एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड का पहला पॉइंट था गिफेन पैराडॉक्स। गिफेन पैराडॉक्स में से सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया है जस्टिफाई द रीजंस के लिए। तो इधर हमारे क्या होते हैं, तीन जो हमें जस्टिफाई द रीजंस पूछे गए थे वो खत्म होते हैं। अब इसके अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 5, जो है कि ऑब्जर्व द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग। कुछ आपको टेबल्स दिए रहेंगे और उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। अभी पहला टेबल आपके इसमें दिख रहा होगा आपको कि इधर दिए प्राइसेस, वेरियस कंज्यूमर दिए ABC और मार्केट डिमांड इनकी पूछी है, मतलब A+B+C। हमको सिंपली क्या करना है, इसे A+B+C करना है और मार्केट डिमांड का जो कॉलम दिया है उसमें पुट करना है, और उसके नीचे आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है कि इसका ग्राफ भी निकालिए। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, मार्केट डिमांड देखते हैं। मार्केट डिमांड में सिंपली क्या करना है, इनका एडिशन करना है। तो पहले 25 प्राइस में मार्केट डिमांड आती है 16+15+12 दैट इज 43। सेकेंड इसमें 30 जो प्राइस है उसमें मार्केट डिमांड आती है 33, सबका एडिशन। 35 प्राइस पे मार्केट डिमांड आती है 27 और 40 प्राइस पे मार्केट डिमांड आती है 18। मैंने सिंपली A+B+C किया है। अब ये मार्केट डिमांड शेड्यूल तो आपने भर लिया, अब क्या करना है, इसका ग्राफ निकालना है। मैंने क्या किया, इसका ग्राफ निकाला हुआ है, वो ग्राफ आपको इधर मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा। और अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो जस्टिफाई द रीजंस डाले हैं उसके साथ में मैं ये ग्राफ भी दे दूंगा, तो उधर से भी आप लोग डाउनलोड करके लिख सकते हैं। तो इतना सिंपल है ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों वो भी ऐसा ही है कि ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग। मतलब डायग्राम देख के अपने क्या करना है, आंसर करना है इन पॉइंट्स का। तो पहला डायग्राम आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वेरिएशन इन डिमांड में, सॉरी चेंजेस इन डिमांड में, चेंजेस इन डिमांड में जो शिफ्ट आता है कर्व्स में उसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा। जब ओरिजिनल, मतलब इधर क्या हो रहा है, ग्राफ में प्राइस सेम है, ओरिजिनल डिमांड कर DD है, उसके आगे राइट शिफ्ट में और एक डिमांड कर हुआ है DD1,
और लेफ्ट शिफ्ट में एक डिमांड कर्व है DD2। ये किधर होता है दोस्तों? ये होता है चेंजेस इन डिमांड में, जिधर इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है। अब पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट आया डिमांड कर्व में तो क्या होता है? तो ये होता है इंक्रीज इन डिमांड। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोग क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। दूसरा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, चेंजेस इन डिमांड कर्व में हमने पढ़ा था कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट जब डिमांड कर्व में आता है तो उसे हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है डिक्रीज इन डिमांड। तीसरा है प्राइस रिमेंस डैश डैश। अब इधर आपको दिख रहा होगा उस ग्राफ में प्राइस कॉन्स्टेंट दिख रही है हमें, मतलब प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो इसका आंसर है प्राइस रिमेंस कॉन्स्टेंट। अभी चौथा है इंक्रीज इन डिमांड कर्व, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द डिमांड कम्स अंडर डैश डैश। किसके अंडर आता है ये? वेरिएशन डिमांड के अंडर आता है या चेंजेस इन डिमांड के अंदर आता है? तो राइट आंसर है चेंजेस इन डिमांड के अंदर आता है। तो इसका राइट आंसर फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा चेंजेस इन डिमांड। अब क्या किया है, तीसरा डायग्राम भी हमें दिया है। तीसरा डायग्राम हमें दिया है जो है कि वेरिएशन इन डिमांड का, मतलब एक्सपांशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड के लिए हम लोगों ने ये डायग्राम यूज़ किया था। तो इस डायग्राम में एक कर्व में क्या दिया है कि ए टू बी पॉइंट तक मूवमेंट हो रही है, दूसरे ग्राफ में भी ए टू बी पॉइंट तक मूव हो रही है, फर्स्ट ग्राफ में क्या हो रहा है ए में कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग मूवमेंट हो रही है, और सेकेंड ग्राफ में अपवर्ड स्लोपिंग मूवमेंट हो रही है। तो इसके अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट ग्राफ के लिए, ए के लिए बोलते हैं ये लोग कि डायग्राम ए रिप्रेजेंट व्हाट। डायग्राम ए में हमें क्या दिख रहा है, सेम डिमांड कर्व में, ध्यान दीजिएगा सेम डिमांड कर्व में क्या हो रहा है, नीचे की तरफ मोमेंट हो रही है। जब नीचे की तरफ मोमेंट होती है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपांशन इन डिमांड। तो इसका आंसर आता है एक्सपांशन इन डिमांड। अब दूसरा क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि इन डायग्राम में मोमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज इन द डैश डैश डायरेक्शन। हमें साफ साफ दिख रहा है मोमेंट किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका आंसर आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब डायग्राम बी को देखते हैं, डायग्राम बी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। डायग्राम बी में भी सेम ही डायग्राम निकाला है डिमांड कर्व का, सिर्फ डिमांड कर्व किधर मूव हो रहा है, अपवर्ड मूव हो रहा है। तो अपवर्ड मूविंग डिमांड कर्व में दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि डायग्राम बी रिप्रेजेंट व्हाट। तो डायग्राम बी में क्या हो रहा है, अपवर्ड मूव होने की वजह से क्वांटिटी कम हो रही है। तो सेम डिमांड कर्व में अगर क्वांटिटी कम होती है तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो इसका आंसर आता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और दूसरा क्वेश्चन है इन डायग्राम बी मोमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज इन डैश डैश डायरेक्शन। तो ये मोमेंट हमें साफ साफ दिख रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर ऊपर जाके डिमांड कम हो रहा है। तो इसका आंसर आता है अपवर्ड डायरेक्शन। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सरसाइज। इसके आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो आप लोग क्या कर सकते हैं बुक में से जैसे का वैसा देख के लिख सकते हैं। तो इसके लिए ये वो क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में नहीं ले रहा हूँ। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3A का फुल सॉल्व एक्सरसाइज। आप मुझे लगता है आपको बहुत मज़ा आया होगा। आपकी कोई अगर मेरे से रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं पूरी से पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। थैंक यू सो मच।